हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस बात पर नाज कर सकता है कि इसकी हर रियासत में मुख्तलिफ और अनोखे किस्म के क्राफ्ट्स मिलते हैं। यहाँ के ज्यादातर दस्तकार अपने हाथों से काम करते हैं। ये लोग काफी मेहनती अपने फन के माहिर और अपने पेशे के तई वफादार होते हैं। यही वजह है कि इनके जरिए तैयार किए गए सामान निहायत खूबसूरत होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके लिए दस्तकारी एक खानदानी पेशा है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचता रहा है। इनके यहाँ इस महारत को बाप दादा से बेटे और बेटियों में मुंतकिल करने का सिलसिला कई नस्लों से चला आ रहा है। बहुत से देही इलाकों में कई क्राफ्ट्स ऐसे हैं जिन्हें बेचने के लिए नहीं बल्कि रिवायत के तौर पर इख्तियार किया जाता है। बिहार की खूबसूरत मधुबनी या मिथिला पेंटिंग भी इन्हीं में से एक है जिसे सदियों पहले गांव में रहने वाली उन औरतों ने शुरू किया था जिनके पास तस्वीरें बनाने के लिए कागज या ब्रश नहीं हुआ करते थे। लिहाजा बच्चे की पैदाइश, शादी ब्याह, त्योहारों या फिर किसी मजहबी तकरीब के मौके पर अपने घरों को सजाने के लिए ये औरतें मिट्टी की दीवारों पर पेंटिंग किया करती थीं। क्योंकि इन औरतों के पास ब्रश नहीं होते थे इसलिए वो पेंटिंग का ये काम अपनी उंगलियों से या फिर बांस की छड़ी, माचिस की तीली या फिर आसानी से दस्तियाब इसी किस्म की किसी दूसरी चीज पर रुई लपेट कर किया करती थीं। पेंट के तौर पर उनके पास भीगे हुए चावल को पीसकर बनाया गया पाउडर या फिर मुख्तलिफ पौधों, फूलों और सब्जियों से तैयार किया गया रंग हुआ करता था। आज आर्ट की इस शक्ल की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और अब इसे कागज और कपड़े पर भी बनाया जाने लगा है। लेकिन इसमें ऑर्गेनिक और सब्जियों के रंग का इस्तेमाल अब भी होता है। भारती दयाल हिंदुस्तान के काबिले एहतराम मधुबनी पेंटर्स में से एक हैं और 2006 में ये नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं। वो अपने घर में अब भी इन ऑर्गेनिक चीजों से रंग तैयार करती हैं। हालांकि पढ़ी लिखी और एक खुशहाल आर्टिस्ट होते हुए वो इन रंगों को बाजार से भी हासिल कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसके बरक्स वो काला रंग सूत में गाय का गोबर मिलाकर हासिल करती हैं। इसी तरह पीला रंग हल्दी से या फिर बरगद की पत्तियों के दूध में चूना मिलाकर, लाल रंग कुसुम फूल के रस से और इसी तरह दूसरे रंग भी तैयार करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी पौधा को तोड़ के नहीं करते, फूल को तोड़ के नहीं करते इसका कलर तैयार। जो हमारे यहाँ आप कहेंगे एक तरीके से हम बड़ा हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, जैसे बनाना ट्री जो है वो जब एक बार कटता है तभी दोबारा फलता है, तो जो कटे हुए पौधे होते हैं उसका जूस निकाल के और फिर हम ब्राउन कलर कार्ड बहुत सुंदर सा कलर निकलता है उससे हम बनाते हैं। शिमाली बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली भारती ने ये हुनर अपनी माँ और अपने घर की दूसरी बुजुर्ग औरतों से सीखा था जो हर मुबारक मौके पर इस किस्म की पेंटिंग्स बनाया करती थीं। इससे उन्हें हमेशा लगाव रहा।
इसलिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में किया ताकि रंगों के कुदरती जराए के बारे में जानकारी हासिल कर सके। उन्होंने अपनी तालीम का इस्तेमाल इस आर्ट के फरोग और मधुबनी पेंटर्स की हालत को सुधारने के लिए भी किया। इस बात को जानने के बाद कि बिहार के फनकार सिर्फ पुराने कामों की नकल करने में लगे हुए हैं, उन्होंने इन फनकारों को मौजूदा शक्ल और मौजूदात के बारे में जानकारी देने और साथ ही उनके कामों में मौजूद खामियों को दूर करने की भी कोशिश की ताकि वो खुद को असली तकाजों के मुताबिक ढाल सकें और उनकी आमदनी भी अच्छी हो पाए। उन्होंने अब तक 60 लोगों को तरबियत दी है जिनमें से 5 अब भी उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं पेंटिंग का काम 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से दीदी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पेंटिंग के माध्यम से ही हम दुनिया को ये सबक सिखा सकते हैं। मतलब कि जैसे देश में इतनी उग्रवादी, इतने बम विस्फोट वगैरह जो बढ़ रहे हैं, इनको अगर ख़त्म करना है तो अगर हम शांति के तरीके से बता सकते हैं तो पेंटिंग के जरिए ही बता सकते हैं। पढ़ी लिखी दस्तकार होने की वजह से भारती अपनी पेंटिंग्स में आजकल के इश्यूज को पेश करती हैं। आमतौर पर मधुबनी पेंटिंग्स में देवी देवताओं की तस्वीरें, मजहबी थीम, फूल और बेल बूटे, परिंदों और जानवरों पर फोकस किया जाता है। लेकिन भारती को नेशनल अवार्ड जिंदगी के उस पेड़ को बनाने के लिए मिला जिसमें गीता की तालीमात पर फोकस किया गया है और एम के रूप में पत्तियों के साथ इंसानी जिंदगी के वजूद को दिखाया गया है। अपनी पेंटिंग्स के जरिए उन्होंने जिन दूसरे मुद्दों पर तवज्जो मरकूज की है उनमें निस्वानियत यानी फेमिनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, एड्स वगैरह शामिल हैं। कोई भी आर्टिस्ट जब भी जो भी रहा है, जिस वक्त का भी रहा है, उस वक्त में उसने उस वक्त के होने वाले सारे चीज़ों को प्रेजेंट किया है और ऐसे ही हिस्ट्री बनी है। तो अगर हम उस वक्त में जब राजा जनक के टाइम पे राम सीता बना रहे थे तो आज हमें ये भी पता होना चाहिए कि फीमेल फोटोज, औरतों के छोटे बच्चों को, लड़कियों की एबॉर्शन करा दिया जा रहा है, डेथ हो रही है। हम इस सब्जेक्ट पे सोच सकते हैं, हम इस सब्जेक्ट्स को पेंटिंग्स में लेके आ सकते हैं। एड्स फैल रहा है, देखिए जहाँ बिहार जैसे जैसे जगह पे हमेशा क्या होता है कि लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बाहर से जब कमा के लौटते हैं विक्टिम औरत होती है। तो उन औरतों के बीच में मैं गई और मैंने कहा ये जो तुम आप सफ़र कर रहे हो, आप उसको भी अपनी पेंटिंग्स में उतार सकते हो। तो एक तरीके से मैंने उसे समकालीन किया, अपनी उस इशूज पे लाया कि क्या हो रहा है, उससे वो अवेयर हो सके। और आज के डेट में मैं कहूँगी, देखिए सिखाया तो मैंने बहुत लोगों को, मगर अभी 5 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ है जो दिल्ली में मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो है कि अब अपने आप में थोड़ा नया कोशिश करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है जैसे मेरे मरने के बाद वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के ले आ पाएंगे। और मुझे हमेशा ये फील हुआ कि अगर मेरे जाने के बाद ये कला अगर कुछ लोगों तक भी रह गई और कुछ लोगों का पैशन बन के रही, मोहब्बत बन के रही, तो इसे और हाथ मिलेंगे आगे बढ़ाने के लिए। भारती गुज़श्ता 8 बरस से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान बिहार पवेलियन की दीवारों को सजाती आ रही हैं। उनकी दीगर हुसूलियाबियों में रियासती अवार्ड, बुद्धिस्ट बिहारी सम्मेलन अवार्ड, इंडो थाई एसोसिएशन से बेहतरीन खातून कारोबारी का अवार्ड, सूरजकुंड अवार्ड वगैरह शामिल हैं। जहां तक कारोबार की बात है तो इसमें भी भारती को बहुत कामयाबी मिली है। वो अब तक अपनी
3000 से ज्यादा पेंटिंग्स बेच चुकी हैं। इतनी कामयाबी और शोहरत के बावजूद भारती निहायत नर्म मिजाज और हमदर्द हैं और हमेशा उन नौजवान और पुरजोश तालिब इल्मों को मधुबनी आर्ट सिखाने के लिए तैयार रहती हैं जो इसे सीखने और फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। वो बहुत ज्यादा मजहबी हैं और कहती हैं कि उन्हें तरगीब कालका देवी माँ से ही मिलती है। भारती दयाल और दीगर कामयाब मधुबनी पेंटर्स के अलावा बहुत सी एनजीओज भी इस मैदान में काम कर रही हैं और इस बात को यकीनी बनाने में लगी हुई हैं कि गांव देहात के इन दस्तकारों को अपने सामान को बेचने के लिए मुनासिब जगह मिल सके और साथ ही वो इनकी अच्छी कीमत भी पा सकें। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने नई दिल्ली में एक मधुबनी आर्ट की नुमाइश लगाई थी जहां पर आर्टिस्टों को आजाद भवन में अपनी पेंटिंग्स मधुबनी स्टाइल में पेंट की हुई साड़ियां, ड्रेस मटेरियल, शर्ट, लैम्प शेड्स, चूड़ीदार कुर्ते वगैरह की नुमाइश के लिए और उन्हें बेचने के लिए एक बड़ी जगह दी गई थी। मैं 35 वर्ष से पेंटिंग करता हूँ। ये परंपरा हमारे गांव में प्राचीन पहले से, बहुत पहले से, एंशियंट टाइम से होता आ रहा है। हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहन सारे के सारे मधुबनी पेंटिंग्स दीवारों पे किया करती थी। विवाह शादी में घरों में कोहबर बनाती थी, पूजा में अल्पना बनाती थी। ये सारी चीज़ देखते देखते हम लोग कुछ ट्रेडिशन के रूप में हमारी बहन करती थी। तो हम जब इंटर किए उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिली तो हम पेंटिंग से जुड़ गए। हमारी बहन, बड़ी बहन अभी जीवित है, वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। 95 वर्ष की आयु है उसकी। उसी से प्रेरणा लेकर हमने पेंटिंग स्टार्ट किया और ये भावना लेकर जब हम थोड़ा सा पेंटिंग में आगे बढ़े तो मुझे भावना जगा कि मेरे गांव में बहुत कम आर्टिस्ट है, क्यों ना हमारे गांव में भी उतना आर्टिस्ट हो जितना राठी जितवारपुर वगैरह में ज़्यादा कलाकार थे। हमारा भावना जगा और धीरे धीरे हम जो काम करते थे वर्कशॉप में, छोटे छोटे बच्चे आते थे हमारे पास सीखने के लिए, धीरे धीरे उसको हम अपना काम भी करते थे और उसको सिखाते भी थे। ऐसे करते करते हमारे गांव में कलाकारों की संख्या बढ़ी। उसके बाद नाबार्ड द्वारा एक एनजीओज आए, साल भर का एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ, उसमें कुछ 300-400 कलाकार को ट्रेंड किया गया, उसमें भी मैं गुरुजी था। अगर मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की शान है जिनमें मुसव्विर हर पेंटिंग में मुख्तलिफ दास्तान बयान करता है, कुछ में मजहबी तो कुछ में त्योहारों से मुतालिक, तो वहीं देही राजस्थान की फड पेंटिंग्स भी कम अहमियत की हामिल नहीं है जिनमें ज्यादातर देवी देवताओं की कहानियां होती हैं। रामायण और महाभारत के इक्तबासात, मजहबी रहनुमाओं और सरकर्दा शख्सियात के किस्से, कौमी अवार्ड याफ्ता कल्याण जोशी और उनके मकबूल आम वालिद श्रीलाल जोशी, जो पद्मश्री और कौमी अवार्ड दोनों हासिल कर चुके हैं। इनके फन को अगर करीब से देखना है तो इसके लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से 250 किलोमीटर भीलवाड़ा जाना होगा। सड़क कुशादा और अच्छी है, इसलिए गाड़ी चलाना एक यादगार तजुर्बा हो सकता है। भीलवाड़ा पहुंचकर अगर आप
किसी भी शख्स से मालूम करेंगे कि कौमी अवार्ड याफ्ता बाप बेटे की जोड़ी कहाँ रहती है और अपने फन को तालिब इल्मों को कहाँ सिखाती है, तो आपको पूरे एहतराम के साथ पता बताया जाएगा। 1921 में पैदा हुए कल्याण के वालिद श्रीलाल जोशी को 1965 में नेशनल मेरिट अवार्ड, 1984 में कौमी अवार्ड और 2006 में पद्मश्री और शिल्प गुरु अवार्ड से सरफराज किया गया। हमारे मुल्क के इस खूबसूरत फन में एक नई रूह फूंकने के लिए उन्हें एजाज दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये फन खत्म होने के दहाने पर है। श्रीलाल जोशी ने हमें बताया कि पहले ये भट्ट पेंटिंग्स बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थीं, जिनमें राजस्थानी फोक मजहबी रहनुमाओं बाबूजी और देवी नारायण के वाकयात बयान किए जाते थे। टेलीविजन से पहले के दिनों में किस्से कहानियां बयान करने वाले गुलूकार जिन्हें भोपा कहते थे, इन बड़ी बड़ी तस्वीर को गांव-गांव लेकर जाया करते थे और कहानियां किस्से तस्वीरों के जरिए सुनाया करते थे। टीवी के चलन के बाद ये रिवायत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई, जिसके सबब बहुत से भट पेंटिंग करने वालों ने ये पेशा छोड़ दिया। श्रीलाल जोशी ने अलबत्ता बाजार में रुझान का पता लगाया और छोटी पेंटिंग्स बनानी शुरू की जो ड्राइंग रूम्स में रखी जा सकें। उन्होंने अपने काम के दायरे को भी बढ़ाया और उन्हें जल्द ही एक बड़ा बाजार मिल गया। पेंटिंग मैंने मेरे पिताजी से सीखा, दादाजी से सीखा। जैसे देवनारायण की पट बनाते हैं तो 2 महीने लगते हैं, बाबूजी की पट 1 महीने में हो जाती है। अब उसके 20-22 हज़ार रुपये मिलते हैं। पहले तो 41 रुपये में मैंने बनाई है, सबसे पहले ही पट 41 रुपये में बनाई है। और सबसे पहले बाबूजी की पट जो है 17 रुपये में दी है। तो उस वक्त में आठाने का कपड़ा आता था और कैनवास बनाते थे, उस वक्त में भी यही टाइम लगता था। उस वक्त में भी पर पैसे कम मिलते थे, इसलिए मैंने कमर्शियल पेंटिंग शुरू कर दी थी। बेटे कल्याण जोशी ने भट्ट पेंटिंग्स को बाजार की मांग के हिसाब से लेकर चलने की रविश को मजीद तकवियत बख्शी। उन्होंने भी अपने मौजूआत के दायरे को वसत अता की और रामायण महाभारत से लेकर हनुमान, राधा, कृष्ण, पृथ्वीराज चौहान की पेंटिंग्स बनाई। तकरीबन सभी पेंटिंग्स में श्लोक, अक्वाल या उससे मुताल्लिक कुछ ना कुछ लिखा होता था। ये एक मखसूस फन है जिसमें इमले या तहरीर की मामूली से मामूली गलती भी पूरी पेंटिंग को बर्बाद कर सकती है। एक एक लफ्ज बहुत ही खास ब्रश से लिखा जाता है और इसी में सही मायनों में महारत छुपी होती है। कल्याण को रियासती और जिला अवार्ड मिलने के बाद 2010 में कौमी अवार्ड मिला। उन्होंने मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों में भारत की नुमाइंदगी भी की है, जहां उनके काम की सताइश हुई और साथ ही उन्हें अच्छा मुनाफा भी हुआ। इस आर्ट को का प्रदर्शन मैंने हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों में मैंने इसका प्रदर्शन किया है और कई बड़ी गैलरीज में मैंने अपने काम को प्रदर्शित किया है। कई बड़े बड़े एनजीओ आर्ट संगठन के साथ मैंने काम किया है। इसके अलावा विदेशों में मैंने 12 देशों में अपनी कला का
प्रदर्शन किया है और पेंटिंग सिखाई भी सही वहाँ बच्चों के साथ, और मेरा एग्जीबिशन भी किया मैंने। जैसे अमेरिका में मैंने न्यूयॉर्क, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी और वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को और फिलाडेल्फिया, इन 5 शहरों में मैंने अमेरिका में मैंने अपनी एग्जीबिशन करी है। और लंदन में मैंने शो किया है, अल्बर्ट में। इसके अलावा मैंने स्पेन में मेरी एग्जीबिशन करी है, मैड्रिड शहर में, स्पेन में। इसके अलावा मैंने दुबई में शो किया है, कुवैत में किया है। इसके अलावा मैंने अभी यूके, पेरिस, फ्रांस में मैंने, पेरिस में मैंने अपनी एग्जीबिशन करी है। ये सब भारत सरकार की तरफ से विदेश में होने वाले भारत महोत्सव के तहत में मुझे अवसर मिला इस कला के प्रदर्शन का। कल्याण जोशी ने नौजवानों को तरबियत देनी भी शुरू कर दी है। पहले इस फन को इतना खुफिया रखा जाता था कि अच्छे मुसव्विर इस खदशे की वजह से अपनी बेटियों को इसे नहीं सिखाते थे कि ये फन उनके कुंबे से बाहर चला जाएगा। अब सूरत हाल पूरी तरह बदल चुकी है और कल्याण जैसे फनकार इस फन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर फरोग देना चाहते हैं और बहुत से इदारों से आर्ट्स के तालिबे इल्मों को दावत देकर ये फन सिखाते हैं। पहले ये कला ऐसा था कि हमारे परिवार में ही सीमित थी और यहाँ तक कि बेटी बहू को सिखाते थे, बेटी को नहीं सिखाते थे। अगर बेटी को अगर सिखाएंगे तो ये कला दूसरे परिवार में चली जाती है। तो हमने आने वाली को बहू को सिखाते थे ताकि ये कला हमारे परिवार में ही सीमित रहे। अब ऐसा हुआ है, जब ये कला एक बहुत लिमिटेड दायरे में सीमित रह गई तो हमने इसको हमारे पिताजी ने सबसे पहले इसको सिखाना शुरू किया और गुरु शिष्य परंपरा के तहत। मैं संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वर्ल्ड स्कूल से विजुअल आर्ट ट्रेनर हूँ मैं, और हम लोग 4 स्टूडेंट के साथ में यहाँ पे कल्याण जी जोशी जी के पास में आए हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं और फर्ड पेंटिंग जो कि उनकी स्पेशलिटी है वो हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। और मेरे बच्चे लोग उनसे ये सीखना चाहते हैं कि ये फर्ड कहाँ से आई है, फर्ड का नाम कैसे पड़ा और ये फर्ड क्यों बनाई जाती है। ये सारी फर्ड के बारे में जानकारी और रिसर्च वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम इंटरनेशनली करिकुलम को बिलोंग करते हैं जो कि IB और IGCSE हैं, इंटरनेशनल बैकलोरेट ऑर्गेनाइजेशन UK, जेनेवा की कंट्री की ये यूनिवर्सिटी है और हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इन जैसे पुरजोश तालिबे इल्मों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस मखसूस फन का मुस्तकबिल काफी रोशन है। भीलवाड़ा से निकलते हुए यहाँ होने वाले फोक प्रोग्रामों का लुत्फ भी लिया जा सकता है। फर्ड पेंटिंग्स के साथ गाने वाले भोपा की तादाद भले ही कम हो गई हो, लेकिन जब रिवायती फोक गुलूकार तान छेड़ते हैं तो हर कोई उस जानिब मुतवज्जे हो जाता है और बार बार उसे सुनना चाहता है। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है।